हेलो फ्रेंड्स, आई मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता है नाम ही इस यूनिट का क्या है पेपर उनमें, लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पे हर चीज में आपको लॉजिक लगा के समझना होता है और बहुत शांति से हर एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी होती है। तो बहुत अच्छी अच्छी टर्म्स हैं लॉजिकल रीजनिंग में, वो आज हम देखेंगे। और आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पेपर में मिलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, युक्ति युक्त तर्क बोलते हैं। आराम से शांति से सारी चीजों को अच्छे से सुनना है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये आपसे एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में मैं बात करूंगा। पहले आपको ये लाइन पढ़ के बताता हूँ क्या है कि इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक इज रिलेटेड टू फॉर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड द कंटेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। यानी कि जो भारतीय तर्क शास्त्र है वो तर्क के रूप और तर्क की सामग्री से संबंधित है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक है वो किससे रिलेटेड है। ऐसे ऑप्शन बनाए गए थे, तो आपको आंसर करना था फॉर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड कंटेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। यानी जब हम आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट शब्द आपको पता होगा, है ना। आर्ग्यूमेंट में क्या क्या होता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है उसमें दो प्रमिसेस होते हैं ना, प्रमिसेस या पूर्व पक्ष वाक्य बोलते हैं, एक कंक्लूजन होता है, और ये जो तीन स्टेटमेंट मिलके एक सिंपल फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट बनाता है, इस बात को आपको पता होगा। और उसके बाद में हम आर्ग्यूमेंट के बारे में फॉर्मेशन की भी बात करते हैं, और इसी से रिलेटेड हम कुछ फालसीज की भी बात करते हैं, है ना, कि उसकी फॉर्म में गड़बड़ हो जाए या उसके कंटेंट में डिस्टर्बेंस आ जाए, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल फालसीज की भी बात करते हैं। तो यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये था कि इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक है वो किससे रिलेटेड है। तो आपको आंसर करना था कि जो आर्ग्यूमेंट का रूप है, यानी कि जो तर्क है उसका फॉर्म है और उसका जो कंटेंट है उसके रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ से डायरेक्ट देना है। और आर्ग्यूमेंट की फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं, कंटेंट के बारे में भी बात करते हैं, जब फालसीज की बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक इज रिलेटेड टू फॉर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड द कंटेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कि तर्क के रूप और तर्क की सामग्री से संबंधित है। और एक इंफॉर्मेशन ये है कि आपको अगर कोई पूछे कि न्याय क्या चीज है, न्याय किसको बोला जाता है, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ परमाणा कॉल्ड न्याय, यानी कि परमाणु के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, न्याय बोलते हैं। हमने आप बात करते हैं इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक की बात करते हैं, तो हम कुछ जो हमारे प्रमाण है उसके बारे में बात करते हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में बात करते हैं, अनुमाना के बारे में बात करते हैं, अनुपलब्धि के बारे में बात करते हैं, अर्थपति के बारे में बात करते हैं, शब्दा के बारे में बात करते हैं। इस तरह से हम छह परमाणु की बात करते हैं, है ना। तो और उन छह परमाणु की अगर स्टडी करते हैं, यानी कि द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ परमाणाज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्याय बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट न्याय, न्याय के बारे में कौन सा तर्क या स्टेटमेंट या वाक्य सही है। तो आपको बोलना है कि अगर हम परमाण का अध्ययन करते हैं या वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, तो उसी विज्ञान को बेसिकली न्याय कहते हैं, यानी कि परमाणु के अध्ययन के विज्ञान को न्याय कहा जाता है। तो ये दो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इसमें किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो बहुत आराम से आप मुझे बताना कि ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो हम आगे बात करते रहेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सब चीजें ठीक लग रही है, बेहतर लग रही है, कि मुझे सब समझ में आ रहा है, तो आप इस चीज को, चैनल को सब्सक्राइब शेयर और वो कर सकते हैं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और ये मैं अब लास्ट में आके कहने लगा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं यार वीडियो में बोला करो सर, बोला करो, तो मैं कई दिनों से बोलना शुरू कर दिया, तो आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अपना पेड कोर्स है, जिसमें हम कंप्लीट पेपर वन हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पढ़ते हैं, पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस और पेपर टू एजुकेशन पढ़ते हैं, अपनी वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इसका हम डिटेल में बात में लास्ट में करूंगा, डिस्कस करूंगा लेक्चर खत्म होने के बाद, कि ये आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या है। वैसे आपको वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब जो मैं आपको छह परमाणा की बात कर रहा था, आज मैं आप किसी के सामने बात करूंगा अनुमाना के बारे में। किसके बारे में, अनुमाना के बारे में। वैसे तो हमें छह की छह बात करते हैं, लेकिन अनुमाना है, आपने अगर पेपर अच्छे से देखा है तो अनुमाना से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको शांति से अनुमाना को आज समझना है। वैसे अनुमाना या अनुमान आप नाम से ही समझ रहे हैं कि किसी चीज के इन्फेरेंस, यानी कि अनुमान लगाना,
किसी चीज को आप अनुमान कैसे लगाते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि वो क्या हो रहा है, तो आप एक अनुमान लगाते हैं ना, तो अनुमान आया कहाँ से आपके पास, वो कैसे लगाया आपने? बेसिकली हम कोई चीज का अनुमान लगाते हैं, इसके पीछे कारण होता है कि पीछे का कोई हमारे पास ज्ञान होता है, प्रायर नॉलेज होता है, उसी के बेसिस पे तो हम अनुमान लगाएंगे, है ना? भी आप उस चीज के बारे में पहले से या उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपके पास नॉलेज होते हैं। जैसे एक इसमें बहुत ही मतलब एक ही एग्जाम्पल है, और इसी एग्जाम्पल को हेर फेर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसने हिल्स पे धुआं देखा और बोला कि वहां पे आग हो सकती है, तो हिल्स पे उसने धुआं देखा और अनुमान लगाया कि वहां आग होगी, तो इट मीन्स उसने पहले कहीं धुआं देखा होगा और उसी बेस पे कहा होगा कि वहां, यानी कि पहले से उसके अंदर एक प्रायर नॉलेज था कि जहां धुआं हो सकता है वहां आग होगी, ठीक है, ऐसा उसके दिमाग में पहले से था, तो इसीलिए उसने हिल्स पे धुआं देखा और बोल दिया आग है। तो ये एक अनुमान है। तो क्या है? इन्फेरेंस डिपेंड ऑन नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू परसेप्शन। क्या बोला गया है कि अनुमान है धारणा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान पर निर्भर करता है, यानी कि आपको पास कोई किसी चीज से संबंधित कोई ज्ञान होगा, है ना, उसी के अकॉर्डिंग तो आप अनुमान लगाओगे। तो डिस्क्राइब एज रीचिंग ए न्यू कंक्लूजन एंटर फ्रॉम वन और मोर ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस ट्रुथ बाय अप्लाई रीजन। ये बेसिकली क्या कह रहा है, इस बात को समझना बहुत शांति से। कह रहा है एक या एक से अधिक परीक्षणों से नए निष्कर्ष और सत्य तक पहुंचने के पिछले सत्य और कारण के रूप में लागू करके वर्णित करता है। पिछले सत्य या कारण का मतलब आपको पहले से किसी चीज का कि ये कारण होगा तो इसका ये रिजल्ट आएगा, आपको पहले से कुछ चीज का अनुमान है, ठीक है, तो वही बात ये कह रहा है जो मैं अभी बात कह रहा था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब जैसे वो एग्जाम्पल जो अभी हम बात कर रहे थे, और इसमें मैं आपको बताऊं कुछ टर्म्स है, जैसे हेतु है ना, प्रतिज्ञा या उसको इंग्लिश में प्रतिज्ञा जैसे लिखते हैं वो क्या है, ऐसे शब्दों से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिडल टर्म क्या है, मेजर टर्म कौन सी होती है, साध्या क्या है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं जो मैं बात कर रहा था। वी सी स्मोक ऑन द हिल, वी इन्फर देयर इज फायर, एज वी हैव सीन वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। अब इसमें सारी चीजें क्लियर आपकी हो जाएगी कि उसने पहाड़ी पे धुआं देखा और हमने क्या अनुमान लगाया कि वहां पे आग है, तो वहां पे हमने अनुमान लगाया कि वहां पे आग है, ये हमारा एक न्यू कंक्लूजन है, हमारा एक नया निष्कर्ष है कि मैंने धुआं देखा भाई वहां वहां पे आग होगी, तो ये हमारा एक नया निष्कर्ष है, नया कंक्लूजन है, ठीक है। एज वी हैव सीन वेर एवर देर इज स्मोक देर इज ए फायर, पहले हम इस चीज को देख चुके हैं कि जहां पे स्मोक होता है वहां पे फायर होता है, बेसिकली ये मेरा एक प्रीवियस ट्रूथ था, यानी कि ये मैंने पिछली सच्चाई था, या यूं कह सकते हैं मेरे जहन में पहले से मैं ये चीज जानता था, मैंने कहीं देखी थी कि जहां पे धुआं होता है वहां आग होता है, उसी चीज को आपने अप्लाई किया और एक नया कंक्लूजन निकाल के दिया, ठीक है। द इन्फेरेंस इज कंडीशनली ट्रू, देखो इस बात से सहमत हो आप कि जो इन्फेरेंस होता है, जो अनुमान होता है, वो कंडीशनली ट्रू होता है, जब अनुमान है बेसिकली तो वो कंडीशन पे बेस हो गया ना, यूं तो नहीं कह सकते कि जो आपने अनुमान लगाया वो 100% सच है, और जो चीज 100% आपके पास सच नहीं है तो आप यूं कहोगे वो किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कंडीशनली ट्रू है, आपने अनुमान लगाया वो सच हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो कंडीशनली ट्रू है, याद रखना। अगर आपसे ये पूछे कि ऐसे दो स्टेटमेंट बना के पूछ ले, या ये पूछ ले कि अनुमाना के बारे में क्या बात सही है, तो लिख दे ये कंडीशनली ट्रू है, ये अनकंडीशनली ट्रू है, तो हमें बोलना है जो इन्फेरेंस या अनुमाना होता है वो कंडीशनली ट्रू होता है, ठीक है। अभी तो आपको समझ आ रहा है, एग्जाम तक आप भूल जाओगे कि यार क्या करूं, तो आप सीधा से इस नाम से ही समझ जाना कि जो चीज आप अनुमान लगा रहे हैं अनुमान है, तो अनकंडीशनली का मतलब तो 100% ही वो सच होगी, कंडीशन का मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ भी हो सकता है, तो अनुमान में तो ऐसा ही है, तो ये कंडीशनली ट्रू है। अगर अगर उसके पक्ष में, यानी कि उसके सपक्ष जो आप काम कर रहे हैं या जो आपने अनुमान लगाया उसके पक्ष में अगर कोई चीजें आ गई, यानी कि उसकी एविडेंस है, जो साक्ष्य है आपके पक्ष में आ गए, जो आप सोच रहे थे वैसा हो गया, तो यानी कि सपक्ष, यानी कि पॉजिटिव एग्जाम्पल एज एविडेंस, यानी कि जो सबूत है उसके रूप में सकारात्मक उदाहरण आ गए, तो आप बिल्कुल आपका अनुमान सच हो जाएगा, है ना। एंड विपक्ष, विपक्ष का मतलब हो गया एक तरह से नकारात्मक उदाहरण है, यानी कि बेसिकली जो आप सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं है, है ना, तो ऐसा ही इसलिए बोला कि अगर सपक्ष हो गया, यानी कि पॉजिटिव एग्जाम्पल हो गए, जैसा आप सोच रहे थे ऐसे ही चीजें आ गई, सकारात्मक उदाहरण आ गए, तो आप बेसिकली क्या कहोगे, आप कहोगे भी ठीक है ये बात सच है। अगर ऐसा हो गया कि विपक्ष में आ गए, यानी कि नेगेटिव एग्जाम्पल एज काउंटर एविडेंस हो गया, ठीक है, तो आप कहोगे वो अब्सेंट है, बेसिकली
तो हम ये कह सकते हैं कि वो असत्य है। तो इसीलिए बोला कि इन्फेरेंस है वो कंडीशनली ट्रू है। तो सपक्ष और विपक्ष का मतलब भी समझ गए और न्यू कंक्लूजन क्या होता है ये भी समझ गए और ये फायर एक प्रीवियस ट्रूथ है ये भी आप समझ गए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे भी आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये कंफ्यूजन मुझे इस बात में है, हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट पढ़ाई का ही करें कि अच्छा ये चीज पढ़ी मैंने शांति से, यहाँ मुझे कंफ्यूजन है, ऐसे हम लॉन्ग टर्म चलते रहेंगे, ध्यान से समझना आपको। अब अनुमाना का फिर और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे सारा खेल है वो शब्दों का है, वर्ड्स का खेल है। जैसे अनुमाना मींस इन्फेरेंस है ना, ये तो बात हम जिक्र करते ही आ रहे हैं। द मेथड ऑफ इन्फेरेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय इंडियन टेक्स्ट एज कंसिस्टिंग ऑफ थ्री पार्ट्स। बेसिकली ये आपसे ये भी पूछा गया कि अगर आपने पीछे वाला पेपर अभी दिया है तो आपसे ये पूछा गया कि जो अनुमाना है उसमें कितने पार्ट होते हैं, ये पूछा गया था। बेसिकली इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, इसको हम प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा बोल सकते हैं, कैसे प्रनाउंस करते हैं आप देख लेना, प्रतिज्ञा, ठीक है ना। और इसको बेसिकली हम बोलते हैं हाइपोथीसिस, या इसको हम समझ सकते हैं परिकल्पना से। और एक होता है हेतु, हेतु होता है रीजन यानी कि कारण, और एक है दृष्टांता, दृष्टांता मतलब एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्फेरेंस है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, तो तीन पार्ट होते हैं, ये पहली बात। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच पार्ट, तो इसमें तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा, हाइपोथीसिस जो हम परिकल्पना बनाते हैं कि ऐसा होगा, है ना, ये परिकल्पना ही है हमारी, तो उसको बोलते हैं प्रतिज्ञा। एक होता है हेतु कारण, यानी कि आपने ऐसी परिकल्पना बनाई, आपने ऐसा सोचा, ये हाइपोथीसिस बनाई, इसके पीछे क्या कारण रहा। जैसे आपने एक प्रतिज्ञा या हाइपोथीसिस बनाई वहां पे कि उस हिल पे आग है ना, तो आपने किस कारण से ऐसा कहा, तो कारण आपका था स्मोक, यानी आपने वहां धुआं देखा, तो हेतु क्या बन गया वहां पे, स्मोक एक हेतु था, कारण था, है ना, उसी कारण तो आपने बोला। और दृष्टांता मतलब एग्जाम्पल, आपने पहले कोई ऐसा उदाहरण देखा होगा, जैसे आपने कहीं काम करते हुए किचन वगैरह में कहीं पे भी जैसे धुआं उठा तो आपने जाके देखा कि वहां आग है, तो ये दृष्टांता यानी कि उदाहरण पहले से आपने देख रखा है। तो ये तीन पार्ट होते हैं बेसिकली अगर हम अनुमाना की बात करें तो ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात भी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है, वो बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कोई भी शब्द आपको समझ में नहीं आए, कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अनुमाना के अंदर मैं आपसे एक होमवर्क भी दूंगा फ्रेंड्स, और प्लीज इस होमवर्क को करना है, अगर आप होमवर्क करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी प्रॉपर करूंगा, क्योंकि अगर आप रुचि नहीं दिखाओगे, आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, होमवर्क ही नहीं करोगे तो क्या फायदा है, फालतू की बकवास करने से क्या मतलब होता है, ये वो नहीं, हमें पढ़ाई का काम करना है, शांति से पढ़ाई करनी है, और चीजों को आपको, आप जितना इंटरेक्ट करोगे, जितना चीजों को एड करोगे उतना ही अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो अनुमाना, एक चीज और आप अनुमाना के बारे में कह सकते हैं कि नॉलेज दैट फॉलो अदर नॉलेज, इस बात को तो आप समझते हो कि ज्ञान है जो दूसरे ज्ञान को फॉलो करता है, यानी कि आप अनुमान किस आधार पर लगाते हो, इसकी हम शुरुआत से बात कर रहे हैं, आपको पहले से कोई ज्ञान है ना कि इस चीज ये होती है, उसी बेस पे आप ये बताते हो कि ऐसा है कि, तो नॉलेज दैट फॉलो अदर नॉलेज, है ना। तो हेतु बेसिकली जो है, हेतु जिसको हम लिंगा भी बोलते हैं, साधना भी बोलते हैं, हेतु जो होता है वो मिडल टर्म है, बेसिकली हेतु क्या है, मिडल टर्म है। जैसे हमने बात की थी स्मोक, तो स्मोक यहाँ पे मिडल टर्म है। तो अब आपको क्या करना है, ये मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, अगर आपका मन करे तो प्लीज आंसर देना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिडल टर्म, मेजर टर्म एंड माइनर टर्म, मिडल, मेजर और माइनर टर्म के बीच डिफरेंस क्या होता है आपको ये बताना है ना, इन तीनों टर्म्स के बीच क्या डिफरेंस होता है आप प्लीज बताना मेरे को, ठीक है। और इसमें साध्या है वो मेजर टर्म है, साध्या मैं आपको बता देता हूं, अगर इस एग्जांपल की बात करें कि मैंने उस हिल पे आग देखी, तो यहाँ पे स्मोक है वो मिडल टर्म है, और साध्या जिसको मेजर टर्म बोला है, फायर यहाँ पे मेजर टर्म है। मैं इतना और आपको कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देता हूँ, फिर आप अच्छे से बता पाओगे। और पक्ष, पक्ष जो है वो क्या है, मिडल टर्म है, सॉरी माइनर टर्म है, सॉरी पक्ष क्या है, माइनर टर्म है, पक्ष यहाँ पे हिल्स है ना, हिल्स है। अब मैंने एग्जांपल के साथ तो आपको बता दिया, अब आप एक्सप्लेन बहुत आराम से कर सकते हो, यहाँ पे माइनर टर्म है वो हिल्स है, और अगर मेजर टर्म की बात करें तो वो फायर है, और अगर मिडल टर्म की बात करें तो स्मोक है, जो हमने एग्जांपल बोला था ना कि मैंने उस हिल पे धुआं देखा और वहां आग होगी, तो यहाँ पे जो आग है, फायर है, वो है मेजर टर्म, स्मोक यानी कि जो धुआं है वो है यहाँ पे मिडल टर्म, और जो हिल्स है वो क्या है, माइनर टर्म है। अब आप मेरे को ये बताना है कि आपको मिडल, मेजर और माइनर टर्म के बीच डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप।
अब अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की जो आपके पेपर में पूछा गया था और इस पेपर को आंसर कर इस क्वेश्चन को आंसर करना है, देखिए क्या है। पहले आप वीडियो रोके इसका आंसर कीजिए और फिर मैं आंसर तो अभी करूंगा, फिर आप एनालाइज कीजिए कि आपने ठीक आंसर किया तो कैसे, ऐसे ही सोचा था या नहीं। तो पढ़ लीजिए आराम से और आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इन्फेरेंस स्टेट द रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोपोजिशन अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। कह रहा है कि क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के अनुसार प्रस्ताव की स्थापना का कारण अनुमान के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा है, यानी कि रीजन पूछा है। रीजन मतलब हेतु, यानी कि कारण पूछा है, तो इसमें कारण कौन सा है। द हिल हैज फायर, उस पहाड़ी पर आग है, ये कारण है क्या? नहीं, ये तो हमने एक हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना बनाई है। बिकॉज ऑफ इट्स स्मोक, क्योंकि यहाँ पे धुआं है, तो एक तो इसी यही तो एक हेतु था, कारण था। मैंने कहा था ना स्मोक एक धुआं है, वो इसी कारण से तो आपने बोला कि वहां फायर है, तो एक ये तो बिल्कुल हेतु है, कारण है, ठीक है, हेतु यही है, कारण यही है, ठीक है। और वट एवर हैज स्मोक हैज फायर एग्जाम्पल ऑन, यानी कि आपने सी एग्जाम्पल कह रहा है, जिस चीज में धुआं होता है उसमें आग होती है, उदाहरण के लिए तंदूर। तो बेसिकली ये एक दृष्टांत है, एग्जाम्पल है, पहले से आपने ऐसा देखा हुआ है, ये पूर्व ज्ञान है, तो ये एक रीजन नहीं है। दिस हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर, इस पहाड़ी में धुआं है जो हमेशा आग से जुड़ा होता है, ये एक व्याप्ति है, आपके अंदर पहले से व्याप्त नॉलेज है, तो ये भी नहीं है। Therefore the hill has fire, इसलिए इस पहाड़ी पर आग है, ये फाइनल आपका कंक्लूजन या निष्कर्ष है। तो इसमें क्वेश्चन में सिर्फ हेतु पूछा है और हेतु यानी कि कारण पूछा है, और कारण यहाँ पे सिर्फ बी है, तो ओनली बी कौन सा आएगा, देखो थर्ड ऑप्शन ओनली बी। ये क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था, और इसी तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत आराम से चीजों को करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो प्लीज ये चीज ये कंसेप्ट आपको कैसे लगे, है ना, प्लीज आप मुझे बताओगे कि ये मेरे को कंसेप्ट अच्छे लगे या नहीं लगे, और आप क्या चाह रहे हैं और किस तरह से आप इंटरेक्ट करते हैं, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाते हैं कि नहीं, ये सब बातें हमें भी मोटिवेट करती है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो अब आपको मैं अपने बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आपको पता है अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है swmg, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप ले सकते हैं। इस वेबसाइट पे हम कंप्लीट पेपर वन पढ़ते हैं, एक कोर्स है आपका पेपर वन का जिसमें डेली लाइव मिलेगी और प्लस रिकॉर्डेड, यानी कि एक साथ 10 की 10 यूनिट रिकॉर्डेड भी मिलेगी और डेली लाइव मिलेगा, एक बैच तो ये है। और हम इसी तरह हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बिल्कुल चित्त शांत करके पढ़ते हैं, और एक आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, ओनली रिकॉर्डेड बैच, इसमें आप रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं जो 10 की 10 यूनिट अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिलेगी। और आपको इन दोनों में कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनमें आपको स्टडी मटेरियल घर पे आएगा, है ना, स्टडी मटेरियल की जो बुकलेट्स है वो घर पे आएगी मेरे अकॉर्डिंग, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही हम पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं, ईवीएस पढ़ते हैं, और इसमें भी आपको वीडियो लेक्चर्स 10 की 10 यूनिट्स आपको मिलेगी। हम इसको और वीकली इसमें एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें PYQs होंगे, अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और स्टडी मटेरियल भी आपके पास घर में आएगा इसका। और पेपर टू हम एजुकेशन पढ़ते हैं जिसमें एक साथ 10 की 10 यूनिट्स आपको मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पढ़ते हैं, और आपको PDF फाइल्स भी मिलेगी जो आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हम अपनी वेबसाइट मोबाइल ऐप पे पढ़ते हैं, अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, और किसी भी तरह की टेंशन ना लें। कॉम्बो पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस बात को आप पढ़ना नहीं है कि चित्त शांत रखें, इस बात को ध्यान रखना है कि अपना चित्त हमेशा शांत रखना है, खुशी से पढ़ाई रखनी जारी रखनी है बिना किसी टेंशन के। अगर आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी से चीजों को करना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग बिना काम का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जिनको शायद पता भी लग चुका है कि तुम्हारा नहीं होगा, बहुत कम स्कोर बन रहा होगा, वो भी बिना काम का रिजल्ट का वेट करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर इसी तरह से हम चीजों को देखते रहे और टाइम वेस्ट करते रहे तो एग्जाम्स कैसे क्लियर होंगे। तो हमें अपनी कमियां देखनी है, हमने पेपर का एनालिसिस करना है कि मेरी कितनी तैयारी है, किस हिसाब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, कहाँ मुझे सुधार की जरूरत है, तो अभी से लगना पड़ेगा। अगर जितना लेट करोगे वो मेरे हिसाब से दिक्कत हो सकती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इसी तरह से पढ़ाई करें, चित्त को शांत रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट।